दोस्तों, क्या आपकी हड्डियों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है? आपके शरीर में खून की कमी है? उठते बैठते समय आपकी कमर हमेशा अकड़ी रहती है? और ऐसे में आप दुनिया जान के ट्रीटमेंट करके थक चुके हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई करा है, तभी मैं आपसे इतना कॉन्फिडेंटली ये सब चीजें शेयर कर पा रही हूँ। आज हम बात कर रहे हैं तिल के बारे में। तिल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, थियामिन होता है, जो आपके शरीर के जितनी भी फंक्शनिंग है, ठीक है, जैसे अगर आपका खून गाढ़ा हो चुका है, नसों में आपके खून जमने लगा है, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इनफैक्ट अगर आपको पुराने से पुराना अर्थराइटिस है, आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, कट कट की आवाज आती है, उठने बैठने में आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है, तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। बहुत ही सस्ता है और बहुत सस्ते में आप अपनी हड्डियों से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव फील करेंगे, चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में आ जाएगी और आप पूरा काम अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए आपको लेने हैं सफेद तिल। सफेद तिल आपको इजीली परचून की दुकान से मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस तिल का इस्तेमाल आपने एज इट इज नहीं करना है, बल्कि हम इसको तवे पर बिना किसी तेल और घी के भूनेंगे, क्योंकि कभी भी कच्चे तिल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। हम इसको हल्का रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से ये बहुत अच्छे से खाए जाएंगे और जो इसका फायदा है वो हमें रोस्ट करने के बाद ही मिलता है। तो चलिए, अब इसको रोस्ट करने के लिए यहाँ पर एक मैं तवा ले रही हूँ और उसमें मैं काफी सारे तिल ऐड कर दूंगी, क्योंकि हम इनको काफी ज्यादा क्वांटिटी में भून कर रख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको रोज रोज बनाने का झंझट नहीं होगा और रेडी टू ईट रहेगा। आप इसको कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी लेके जा सकते हैं, और अगर आप हॉस्टल में हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो शुरुआत से आप उनको खिलाएं, लेकिन क्वांटिटी में आपको बताऊंगी कि बड़े इंसान को और छोटे इंसान को कैसे लेनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं इनको भून रही हूँ। इतना आपको भूनना है कि हल्के से ये ब्राउन हो जाए, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल वाइट है, और हमें बहुत स्लाइटली सा इसको रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना, ताकि ये जल जाएंगे और इनका जितना भी गुडनेस है, फायदा है, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आपको फील हो रही होगी अगर आप भी मुझे देखते हुए ये चीज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद में आपने इसको तवे से निकालकर एक प्लेट में निकाल देना है तिल को, क्योंकि अगर आप तवे पर ही रहने देंगे तो तवा बहुत गर्म होगा, जिससे कि तिल में और ज्यादा सेक लग जाएगा और वो जल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप प्लेट में निकाल लीजिए। प्लेट में निकालने के बाद हम एक बाउल लेंगे, जिसको मैंने बताया कि हमेशा आप अपने बेड के पास रख सकते हैं, ताकि आपको उठने का आलस ना आए, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी रिलेटिव के यहाँ पे गए हैं तो भी आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो अब आपने इस डब्बे में इन सारे तिल को ऐड कर लेना है। उसके बाद अब आपने कैसे लेना है, आपने इसमें पूरा का पूरा हनी, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ क्वांटिटी में, उतना हनी आपने ऐड करना है, जिससे कि पूरे अच्छे तरीके से तिल मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद में आप इस कंटेनर को बंद कर दीजिए और इसको अपने बेड के पास या अपनी किचन में जहां भी रख सकते हैं। ये एक महीने के लिए बनकर तैयार हो चुका है। सर्दी के मौसम में अगर आप इसका एक चम्मच रोजाना सुबह खा लेंगे तो आपकी तो सर्दी जुकाम आपको नहीं लगेगा, पुराने से पुराना अगर आपकी छाती में कंजेशन है तो वो निकल जाएगा, और साथ ही साथ ये तिल आपकी स्किन के कलर को, आपके बालों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और प्लस में, और जो मेन फोकस है हमारा हड्डियों का, हड्डियों से जुड़ी सारी समस्याओं को ये दूर कर देंगे, ठीक है। अब इसी वीडियो में मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ, वो भी सुन लीजिए। इन केस अगर आपको डायबिटीज है तो आप हनी तो ऐड करेंगे नहीं, तो फिर इसको कैसे लेंगे? ऐसे में आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने तिल को ऑलरेडी रोस्ट करके पाउडर बना रखा है, आप भी यही करेंगे, जो आपने रोस्ट करा है उसका पाउडर बना लेंगे, और उसके साथ में आप लेंगे एक ग्लास गरम दूध। अब जान लेते हैं कि इसका एक चम्मच आपको कब तक खाना है। अगर आप हनी और तिल मिक्स करके खा रहे हैं, लेकिन तभी खाना है जब आपको डायबिटीज नहीं है, आपने एक महीना लगातार इसका सेवन करना है, और अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो भी आपने इसका सेवन एक महीना लगातार करना है। दूध में आपने कोई भी मीठा ऐड नहीं करना, अगर आपको डायबिटीज नहीं, फिर भी अगर आप दूध के साथ लेना चाहते हैं तो आप उसमें धागे वाली मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जान लेते हैं किन कैटेगरी वालों को ये जो है रेमेडी इनटेक नहीं करना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर से कंसर्न करे बिना इसको नहीं लेना, क्योंकि तिल की जो तहसीर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है प्रेगनेंसी टाइम पर, ठीक है, या फिर डिलीवरी के बाद। तो ऐसे टाइम पे आप अपनी गायनेक से कंफर्म करें, देन इसको आप इनटेक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये कंप्लीट वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और प्लीज इसे फॉलो करें ऐसी कुछ नया देखने के लिए। मेरे साथ जुड़े रहें, आपकी ईशा मिलेगी आपसे कल कुछ नई चीजों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।